सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी की। आज की इस वीडियो में मैं क्वालिटी स्टोरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द जेसलर ब्रदर्स आर स्किल्ड शो मेकर्स, व्हाट डू यू थिंक देन इज द कॉज ऑफ देयर डिक्लाइंग बिजनेस एंड स्लो स्टार्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जेसलर ब्रदर्स एक स्किल्ड शो मेकर्स हैं, क्या यह उनके घटते कारोबार और धीमी भुखमरी का कारण है? क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू थिंक इज द मैसेज दैट द स्टोरी राइटर वांट्स टू कन्वे थ्रू द स्टोरी क्वालिटी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या मैसेज है जो राइटर हमें क्वालिटी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, मिस्टर जेसलर वॉज डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मिस्टर जेसलर डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन हार नहीं माना, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं तो साबित करें। क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू एग्री दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी क्वालिटी इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि क्वालिटी स्टोरी का टाइटल काफी उचित है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इम्प्रेस द नरेटर अबाउट द जेसलर ब्रदर्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जेसलर ब्रदर्स के बारे में नरेटर को क्या प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इट इज पॉसिबल टू मेक वंस हॉबी वंस प्रोफेशन, प्रिज्यूमिंग दैट इट इज पॉसिबल डज इट ऑलवेज रिजल्ट इन हैप्पीनेस। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किसी के हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना संभव है, यह मानते हुए कि यह संभव है, क्या इसका नतीजा हमेशा खुशी होता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।